राजस्थान अंता में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, गला दबाकर घटना को दिया अंजाम। अंता के समीप तामखेड़ा गांव में पति द्वारा अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के भाई रामगढ़ निवासी सत्यनारायण सुमन ने बताया कि उसकी बहन बीना ने तामखेड़ा में विष्णु सुमन से शादी की थी, जिसके 3 बच्चे हैं। पति विष्णु ने उसके दोस्त के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद हत्या की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका को अंता अस्पताल लाया गया। 15 दिन से परेशान हो रही थी उसको, ये शाम के टाइम उनके घर में भी दो दो तीन जने आते थे, उन्होंने हमें खबर दी, उसके एक दो जना को बताए, मतलब एक दो जनों को बताए, रात में शिखर में कोई आता है तो हम भी आए थे, थाने में गए थे कार्रवाई करने, थाने वाले ने भी समझाया था, थाने वाले ने समझाया था, फिर एक दो दिन वहाँ रुका रामगढ़, फिर किसी की आज क्या हुआ, आज हमें खबर लगी कि वो एक दो दिन में एक को मारने वाला है, या तो उसको पिताजी को या मेरी बहन को। क्या मामला है? ये मुझे थाने पे 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि तामखेड़ा इस पर पचेल रोड पे एक महिला के साथ मारपीट हो रही है। इस सूचना पे हम जाप्ता के साथ मौके थे तो वहाँ पे हमने देखा कि लाश एक महिला की मकान में लाश मोहन लाल जो है उसका सुतुर है, उसके मकान में डेथ बॉडी मौजूद थी। उसको हमने तुरंत अस्पताल पहुँचाया और इस मामले में भी कार्रवाई जारी है और कार्रवाई जारी। मृतका के परिजनों का क्या आरोप है सर? मृतका के परिजन अभी उसके भाई आया है, सत्यनारायण है, रामगढ़ से आया है, अब वह FIR देगा, उसके मुताबिक कार्रवाई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।